आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। धार जिले के निसरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत 15 अप्रैल को कोणागा नवादपुर रोड पर दो बाइकों के बीच एक्सीडेंट की घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को धार जिले के निसरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल निसरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत कोणागा नवादपुर मार्ग पर दो बाइकों की दुर्घटना हो गई थी, जिसमें गोलू नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। गोलू की मौत से आहत गोलू के साथियों ने एक्सीडेंट की घटना में घायल मुकेश रामपाल और भूपेंद्र के साथ पत्थर और हाथ पैर से मारपीट करी थी। मारपीट की इस घटना में रामपाल और भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं मुकेश की मौत बड़वानी में इलाज के दौरान हुई थी। मुकेश रामपाल और भूपेंद्र की हत्या के मामले में निसरपुर पुलिस ने 5 आरोपी बबलू केला जब्बू खेमा और शिवलिया के खिलाफ 3 लोगों की हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। इन हत्या के 5 आरोपियों में से निसरपुर पुलिस ने बबलू के अलावा अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। वहीं फरार आरोपी बबलू की तलाश में निसरपुर पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसमें कैलाश जगदीश और शिवलाल जेमा 4 पकड़े गए हैं, 1 आरोपी बबलू अभी नहीं मिला, फरार है। कुछ कबूला इन लोगों ने? इन्होंने लात मुक्को और पत्थर लकड़ी टामी से मारपीट करना बताया। जब एक्सीडेंट हुआ तब ये लोग वहाँ पर थे या फोन लगाकर बुलाया गया? एक्सीडेंट हुआ उसके ठीक पीछे ये भी आए रहे थे, ये शादी में गुड़ खाने गए थे और ये लोग जिनकी घटना हुई है आगे चल रहे थे, ये पीछे चल रहे थे, घटना घटित होने के ठीक पीछे चले आए। कौन से गाँव के हैं? ये ग्राम देहर पिपरीपुरा के। गुड़ खाने कहाँ गए थे? ये अमल झूमल गाँव। कक्षी से फिरोज पठान की रिपोर्ट। सवाईजपुर तहसील के लोनार थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव वालों ने खेतों में लगी आग को देखा। देखते ही देखते तेज हवा चलने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिस दौरान आग ने हजारों बीघा फसल को अपने आगोश में लेकर जलाकर खाक कर दिया। ग्रामीण और प्रशासन की टीम आग पर काबू पाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, मगर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मामला लोनार थाना क्षेत्र के भेलामऊ गांव का है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में आग लग गई, जिसकी सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने आनन फानन फायर ब्रिगेड को सूचना दी और ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए, मगर तेज हवा का झोंका होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद उधरनपुर वीर सिंहपुर मत्तीपुर बाजपुर नकटोरा सहित करीब 1 दर्जन गांव में आग फैल गई। आग का विकराल रूप होने के कारण किसानों की हजारों बीघा फसल जलकर खाक हो गई तथा दर्जनों गांव वालों के घर जलकर राख हो गए। सूचना पाकर एसडीएम सवाईजपुर सर्वेश कुमार गुप्ता, तहसीलदार लोनार थाना सहित कई थानों की फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। सभी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, मगर अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये बैलामऊ के हार से लगी है, ढिका हार से हमारे गांव का हार जलता हुआ, बैलामऊ जलता हुआ, फिर सिंहपुर का जला, फिर ये गांव में आई और आगे भी जा रही। लगभग कितने घर जले, कितनी फसल नष्ट हुई होगी? ओ, इनको बहुत बड़ा आंकड़ा है। फसल कितनी नष्ट हुई होगी? लगभग कितने बीघा? कम से कम ना आए तो 4-6 हजार बीघा। अभी तक प्रशासन की तरफ से गाड़ी वाड़ी का कोई नहीं? कौन मौके पर कौन आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं। अभी तो भैया कारण अज्ञात है, किसी की पीछे गांव से आग फैली है, तेज हवा के कारण और तेज धूप भी है और खेतों में गेहूं की फसल सूखी पड़ी हुई है, फसल भी है, ठूंठ भी है, भूसा भी पड़ा हुआ है, उसी से आग फैल गई बहुत ज्यादा अचानक। हमारे फैलामऊ के ग्राम प्रधान मिश्रा जी ने काफी हेल्प करी, इन्होंने फोन किया, मैं हरपालपुर की तरफ था, मैं तुरंत भाग के आया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाई, कोतवाल को भेजा, सब लोग गांव वालों की हेल्प से काफी कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। अभी आगे 2-3 गाड़ियां फरुखाबाद से उन्नाव से भी हमने मंगवाई हैं, वो गाड़ियां जैसे ही आ जाएंगी पूरी तरह आग कंट्रोल में आ जाएंगी। कितने गांव लगभग प्रभावित हुए हैं? कम से कम 8-10 गांव में अभी तक आग। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के बीच कार्यभार ग्रहण किया।
राकेश सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता 2018 और 19 में सरकार बनाना है, मेरे साथ आज से ही कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतर जाए। इस दौरान राकेश सिंह से मिलने पूर्व मंत्री सरताज सिंह भी पहुंचे और काफी देर तक चर्चा की। राकेश सिंह ने कहा कि बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, जो आना चाहे वो आ सकता है। इस दौरान बीजेपी ऑफिस में नवनियुक्त अध्यक्ष ने पूजा पाठ भी किया। जबलपुर से बहुत लंबा सफर इस कार्यालय के माध्यम से शुरू हुआ और इस पड़ाव तक हम लोग आज पहुंचे। और चूंकि कल ये तय कर लिया था कि आज से ही काम शुरू, इसीलिए आज ये सोचा कि विधिवत पूजन अर्चन करने के पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय ठाकरे जी, राजमाता। जबलपुर से अनिता जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद क्षेत्र रामगढ़ की ग्राम पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता सरपंच सचिव की मनमानी से परेशान है। मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय जनता को ना देकर अपने चहेतों को लाभ देकर अन्य जाति के लोगों का शोषण किया जा रहा है। क्षेत्र की जनता ने जन सुनवाई में अपना पंचनामा देकर बताया कि हमारे गांव की सचिव श्रीमती पुष्पलता रावत, पति श्री राम प्रकाश रावत जो ग्राम सलमपुर की निवासी थे, जो कभी कभार ही पंचायत में आने जाते थे। रामगढ़ पंचायत के लोग अपने कार्यो एवं खदानी पर्ची के लिए पंचायत भवन के चक्कर काटते हैं और खदानी पर्ची पर साइन नहीं करती और ज्यादा काम और साइन उनके पति द्वारा फर्जी तरीके से किए जाते हैं और विरोध करने पर लोगों से अपमानजनक गालियां देकर उनका सम्मान करते हैं। कौन सा गांव है ये? केमपुरा। पंचायत कौन सी लगती है? रामगढ़। आवाज मिला है क्या? नहीं मिला है। सरपंच को अवगत कराया इससे? सरपंच से बोला था आवाज के बारे में? बोला मैंने, पर लेकिन नहीं किया है। पैसे वालों के लिए मिला है, कई बार बोला पैसे वालों के लिए मिला है, मैंने पैसा दें तेरे को, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है तो हमारे लिए। आपसे क्या कहते हैं? आप हमसे बोलते हैं कि पैसा दो तब मिलेगा। कितने पैसे की मांग करते हैं? ये करते हैं 30,000 की, 10,000 अब दो और 10,000 रुपए किस दिन पे दो। सबलगढ़ से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। नेपा नगर में रेलवे फाटक के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। आमने सामने हुई इस भीषण टक्कर में तीनों युवकों को गंभीर चोटें आई। वाहनों के टकराते ही दुर्घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। राहगीरों द्वारा घायलों को तत्काल नेपाल लिमिटेड चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को बुरहानपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां घायलों की हालत निरंतर बिगड़ने के चलते तीनों घायलों को इंदौर रेफर किया गया। पर रास्ते में ही मोहित पिता संजय पाटिल निवासी नेपानगर की मौके पर ही मौत हो गई। नेपानगर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी है। एमपीबी ऑफिस के सामने दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई थी, जिसमें तीन लोग घायल हो गए, एक की हालत ज़्यादा गंभीर है, दो को रेफर कर दिया गया, एक यही नेपाल में। सर, आए दिन नेपानगर में दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं, नाबालिग बच्चे बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं, इस पर भी कोई कार्रवाई? इसके बारे में हम हमेशा तो चेकिंग करते रहते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते रहते। पुरानपुर से राजेश राखुंडे की रिपोर्ट। अक्षय तृतीया पर सिरोंज में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लगभग 450 जोड़ों का सामूहिक विवाह अव्यवस्थाओं का बना रहा। शासकीय लाल बहादुर कॉलेज ग्राउंड में सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, लेकिन लोगों को ना तो चिलचिलाती धूप में टेंट की कोई व्यवस्था थी और ना ही पानी के लिए कोई व्यवस्था। चिलचिलाती धूप में दूल्हा एवं दुल्हन के परिजनों ने त्रिपाल ढककर धूप से बचने का प्रयास किया। पानी के लिए दिन मार्ग नगर पालिका के टैंकरों पर भीड़ मची रही। सामग्री वितरण के स्टॉलों पर भी धूप में दूल्हा दुल्हन के परिजन परेशान होते रहे। गरीबों का मजाक बना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कुछ दिनों की बात की जाए तो उन्होंने तो सिरोही सम्मेलन में आने की कसम भी खाई है कि हमारे परिजनों का कभी भी कोई बार बार जनप्रतिनिधियों से कहने के बाद भी बना रहा अव्यवस्थाओं का माहौल। समारोह हुआ तो हम सम्मेलन में नहीं आएंगे। आप लड़की के कौन है? पिताजी। पिताजी, आपको टेंट में कोई व्यवस्था नहीं मिली? हम भी मोल लेके आया हूँ। हम में मोल लेके आया? अच्छा, आपने किसी से किया नहीं अभी? अध्यक्ष किया ब्लॉक में, जो अध्यक्ष जितेन बघेल नहीं, उनसे छोटे वाले। छोटे वाले भैरू सिंह? जी भैरू सिंह। क्या किया था उनसे? उनसे किया, दादा हमें कोई व्यवस्था करवाओ, तो वो आए भी लेकिन हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली। नहीं, चौकी से। कैसा लग रहा है आपको? ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? बुरा लग रहा है। क्या क्या नहीं है आपको? टेंट होना चाहिए। तो अब कभी यदि ऐसा मौका मिला तो सिरोंज क्या दोबारा आएंगे आप? नहीं आएंगे।
सिरोंज से संतोष जैन की रिपोर्ट। बहराइच जनपद के थाना विशेषगंज में आजकल चोरों की पौ बहा है। ताजा मामला बहराइच जनपद के थाना विशेषगंज का है, जहां बीती रात भोसले बुलंद चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। आपको बताते चलें कि बीती मध्य रात चोरों ने स्थानीय कस्बा विशेषगंज निवासी हरनाम सिंह पुत्र श्री राम सिंह के यहां अज्ञात चोरों ने पीछे के रास्ते से आंगन में घुसकर आंगन में लगे चैनल के ताले को तोड़कर घर में घुसाए तथा घर की अलमारी में रखे 40,000 नकली सोने का झाला, चांदी की पायल, मंगलसूत्र, चांदी के सिक्के समेत करीब 1.5 लाख रुपए का सामान उड़ा कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि जिस कमरे में वो सो रहे थे उस कमरे का दरवाजा चोरों ने बंद कर दिया था। बरामदे में सो रही घर की महिलाओं को डरा धमका कर सारा सामान उड़ा ले जाने में चोर सफल रहे। घटना के संबंध में पीड़ित ने स्थानीय थाने विशेषगंज में तहरीर दी है। बताते चले जहां अभी कुछ दिन पहले ही स्थानीय थाना अंतर्गत जलालपुर बाग में भी एक आभूषण व्यापारी से रात में चोरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसके दूसरे दिन हरिराम के घर चोरों ने धावा बोल दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि स्थानीय थाने की पुलिस त्रस्त और चोर मस्त है। वहीं दूसरी तरफ जहां एक ओर योगी सरकार व बहराइच जनपद की पुलिस कप्तान चोर उचक को माफिया और अपराधियों से जनपद को मुक्त करने का दम भरते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चोर लुटेरे घटना को अंजाम देकर सरकार की मंशा को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब देखना यह है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए स्थानीय पुलिस क्या योजना बना रही है। क्या हुआ, कितने मतलब कैसे कैसे कितना पैसा चोरी हुआ या क्या हुआ, आपका पूरा मामला हमें पूरी तरीका से बताइए। पैसा 40,000 नगद। हाँ, आला बाला अंगूठे दो पायल। अच्छा, ये मतलब आप लोगों को जानकारी कितने बजे हुई? जानकारी 12:30 3 बजे के बीच में। और ये चोर आए किस रास्ते से थे? चलता पीछे के दरवाजे से। उसके बाद आप लोगों को जब कुछ आवाज वाज अच्छा आपको मतलब उसके बाद कुछ कमरे में बंद उन किए थे क्या? और जानकारी के बाद आपने इसको पुलिस में सूचना दी? लमसम कितने का चोरी हुई? लमसम पूरा 3 लाख और 2.5 लाख के बीच। यूपी के भराई से विजय प्रताप गुप्ता की रिपोर्ट। परशुराम जयंती पर ग्राम करोतला में परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। पूरे नगर में ढोल द्वारा शोभा यात्रा और जुलूस निकाला गया। सर्व ब्राह्मण समाज के सभी जन उपस्थित थे, जिसमें प्रवीण जोशी, विपिन व्यास, अर्जुन जोशी, सुनील उपाध्याय, नीरज जोशी, प्रशांत व्यास और सभी समाज बंधु का सहयोग रहा। करोतला से आदित्य राज धागर की रिपोर्ट। आज के युग में जब सारे समाज सरकार की तरफ से अनुदान के लिए आशा भरी नजरें देखते हैं, तो वहीं यह भाकड़ समाज ने एक अनूठी मिसाल कायम की है। भाकड़ समाज प्रतिवर्ष निःशुल्क सामूहिक शादी करवाता है। वहीं राजोदा के समीप नीपावली में इस वर्ष भी अक्षय तृतीया पर 37 नव युवक जोड़ों का विवाह वैदिक पद्धति से गायत्री परिवार के परिजनों ने शांति कुंज के तत्वाधान में परिणय बंधन सूत्र में विवाह सम्पन्न कराया। वही गायत्री परिवार के परिजनों द्वारा हर जोड़ों को गायत्री परिवार की तस्वीर व प्रमाण पत्र भेंट की गई। इस अवसर पर जोड़ों द्वारा महाआरती की गई व सभी जोड़ों को दान स्वरूप राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर धाकड़ समाज के वरिष्ठ नागरिक व सामूहिक विवाह समिति का सहयोग मिला। करोतकला से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत द्वारा बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन बड़नगर कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 117 जोड़ों का विवाह और एक जोड़े का निकाह करवाया गया। विवाह सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक मुकेश पंड्या उपस्थित थे। कन्याओं के विवाह में कन्यादान की रस्म अदा की व प्रमाण पत्र जनपद अध्यक्ष राजू भाई सोहन सिंह गुजर द्वारा दिए गए। सम्मेलन में 85 जोड़ों का विवाह कृषि उपज मंडी तथा 32 जोड़ों का विवाह ग्राम पंचायत जावला द्वारा ग्राम बरगाड़ी में यादव समाज सम्मेलन में हुआ। बड़नगर से नितिन पंड्या की रिपोर्ट। पलेरा में परशुराम जयंती मनाई बड़ी धूमधाम के साथ, जिसमें काफी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई। नगर में जयंती को घुमाते हुए मेन मार्केट में होते हुए निकाली गई, जिसमें थाना प्रभारी साहब की व्यवस्था अच्छी रही। पलेरा से कैमरामैन प्रमोद झा के साथ गणेश प्रसाद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मुरैना जिले के कैलारस तहसील के ग्राम माधोगढ़ में
ठाकर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन जोगी माता मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें 13 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन ग्राम के सभी समाज की ओर से सहयोग किया गया, जिसमें ठाकर महासभा के अध्यक्ष श्री राम लाल ठाकर ने अध्यक्षता की, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मनीराम ठाकर, विशिष्ट अतिथि सोहन लाल राम लखन, हाकिम सिंह, प्रयाग सिंह राम खिलाड़ी आदि समाज बंधु उपस्थित रहे। और समाज का 12वां सम्मेलन है, हम सब लोगों ने मिलकर के हमारे ग्रामवासियों ने, हमारे दोस्त मित्रों ने, हमारे सभी समाज सेवियों ने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम में भाग लिया और सभी ने मिलजुल करके इसको संपन्न कराया। और हम उनको मन के अपनी महासभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और आगामी इच्छा जाहिर करते हैं किसी प्रकार से संलग्न होते रहे हमारी बेटी बेटियों को ब्याह संलग्न के माध्यम से होता है। जय माता दुर्गे सेवा समिति का ये द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन है जो ग्राम माधवगढ़ में आयोजित किया गया है। समाज का ये 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इस सम्मेलन में ग्राम माधवगढ़ की 2000 की आबादी निवास करती है, सभी जातियों को लोग निवास करते हैं, या हिंदू और मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं है। इस कार्यक्रम में हिंदू और मुसलमानों ने भी बराबर की हिस्सेदारी निभाई है। हमारे यहाँ मुस्लिम परिवार जो भी है उन्होंने भी इस सम्मेलन में हिस्सेदारी दी है। सभी वर्ग के लोगों ने इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया है। और इस सम्मेलन में 3 जोड़े हमारे इस गांव से थे और 10 जोड़े या मुरैना और शिवपुरी और शिवपुर से थे। ये भाती इस वर्ष भी सेवा समिति के द्वारा, जय मां सेवा समिति के द्वारा माधवगढ़ में आयोजित किया गया। इसमें सर्व जाति के लोगों ने चढ़ बढ़ कर भाग लिया। सभी लोगों की रात दिन की मेहनत थी, इसलिए आज ये कार्यक्रम आप सभी लोगों के सहयोग से आज के सबके बीच में सफल। मुरैना से राजन सिंह ठाकर की रिपोर्ट। आगर जिले के कानड़ में चंद्रवंशी खाती समाज में 68 जोड़े परिणय सूत्र में एक साथ बंधे। चंद्रवंशी खाती समाज द्वारा हर साल की तरह इस साल भी चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज में 12 आदर्श विवाह सम्मेलन रखा गया, जिसमें 12वां आदर्श विवाह सम्मेलन अक्षय तृतीया के मौके पर 68 जोड़े वैवाहिक जीवन के बंधन में बंध गए। वहीं वैवाहिक संस्कार आदि समाज के काशीराम अन्नल एवं पंडित प्रेम नारायण त्रिवेदी द्वारा कराया गया। आगर मालवा से सोनू खान की रिपोर्ट। नसुलागंज आदर्श यदुवंशी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी अक्षय तृतीया के पर्व पर ग्राम लोदुरी तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद में सम्पन्न हुआ, जिसमें यदुवंशी समाज के 85 वर वधुओं ने परिग्रहण संस्कार में प्रवेश किया। इस सम्मेलन में खास बात तो यह रही कि ग्राम मजालपुर की सरपंच शिखा यादव, पुत्र कैलाश पटेल एवं ग्राम सोयत के अधिवक्ता पुनीत यादव, पुत्र बलराम यादव अधिवक्ता का विवाह इसी सम्मेलन में आयोजित हुआ, जबकि दोनों परिवार यदुवंशी समाज में पटेल परिवार से, इनको देखकर भी समाज से अच्छा संदेश दिया। नसुलागंज से रमाकांत मंसूरिया के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।